सुप्रीम कोर्ट में 7 साल जज रहने के बाद जस्टिस रोहिंटन फालिन नरीमन आज रिटायर हो रहे हैं। 7 साल का उनका करियर, उससे पहले उनका पूरा करियर जिस पर हम नजर डालें तो बिल्कुल अनूठा और अलग अंदाज का रहा है। 1993 में जब जस्टिस नरीमन को सीनियर एडवोकेट बनाया गया उस समय उनकी उम्र 37 साल थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की नियमावली के मुताबिक सीनियर एडवोकेट का गाउन पहनने के लिए कम से कम 45 साल की उम्र जरूरी है। इसके अलावा जो अनुभवों की श्रृंखला है वो तो अलग। जस्टिस एमएन वेंकट चलैया ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के नियमावली में संशोधन किया और 37 साल की उम्र में उन्हें सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया गया। इसके बाद वो 2011 में सॉलिसिटर जनरल भी बने, लेकिन अपने बेलौस अंदाज और बेबाकी के लिए मशहूर नरीमन साहब की उस समय के कानून मंत्री से कुछ मुद्दों पर उनके मतभेद हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसका 2014 में जस्टिस आरएम लोढ़ा जिस समय चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, तब उन्होंने रोहिंटन फाली नरीमन को सीधे बार से यानी वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाने की सिफारिश की। जस्टिस नरीमन 5वें ऐसे जस्टिस रहे जो बार से सीधे एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। इसके अलावा 2014 में जैसे ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने, 2 महीने के अंदर उन्होंने पहला फैसला दिया और उस फैसले ने ये बता दिया कि जस्टिस नरीमन आखिर किस सोच के हैं। उन्होंने जो अहम फैसला दिया उसमें उन्होंने ये बताया कि जिस समय मृत्युदंड पाए हुए आरोपी अपने रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हैं, उस रिव्यू पिटीशन की सुनवाई ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, खुली अदालत में, क्योंकि उसके पास ये आखिरी मौका होता है अपने बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ कहने का। और उसके बाद से प्रैक्टिस शुरू हो गई। इसके अलावा जस्टिस नरीमन अपने पारसी धर्म के शीर्ष पुजारी भी हैं, यानी उनके विवाह संस्कार या बच्चों के जन्म के बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो भी पूरे करते हैं। उनकी विद्वता, संविधान की उनकी जानकारी और उनकी निष्ठा, उसे लेकर चीफ जस्टिस ने भी उनकी तारीफ की और ये कहा कि एक शेर दिल जज सुप्रीम कोर्ट से विदा ले रहा। इसके अलावा ये कहा गया कि जिस तरह से अपने बेलौस और बेबाक अंदाज से उन्होंने अपने फैसलों से 35,000 से ज्यादा मामलों का निपटारा किया, 5,000 से ज्यादा जजमेंट लिखे और हर एक जजमेंट में उनकी अपनी शैली, अपनी छाप दिखाई पड़ती है। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज।